कक्षा दसवीं के गणित विषय के चैप्टर क्रमांक 10 वृत्त में कुल अंक 5 निर्धारित हैं और इस चैप्टर में एक अंक का एक प्रश्न पूछा, दो प्रश्न पूछे जाने हैं और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक अंक वाले प्रश्न। एक अंक वाले प्रश्नों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के केवल वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसके बाद वृत्त की एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। दूसरा बिंदु था। अगला बिंदु, वृत्त के अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आप देख रहे हैं इस चित्र में कि यहाँ पे अनेक स्पर्श रेखाएं स्पष्ट हो रही हैं और इसी का अगला बिंदु है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे वृत्त को दो बिंदु, एक यह बिंदु दूसरा यह बिंदु, इस पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को हम छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न आया था 2019 में। इसके बाद अगला बिंदु, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यह 2019 में पूछा गया था। तो किस तरीके से होंगी दो समांतर स्पर्श रेखाएं? एक वृत्त खींचेंगे, इसमें एक रेखा यहाँ और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ, तो ये एक स्पर्श रेखा ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा, इस तरीके से दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहां पे वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, तो यहां एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा जिसको कि हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। अगला बिंदु जिसमें हम देख रहे हैं कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या यदि ज्ञात करनी हो, तब यदि हम देखते हैं यहाँ पे पहला बिंदु, यदि एक यह बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तब स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होगी और यदि यह बिंदु वृत्त पर स्थित हो तब यहाँ स्पर्श रेखाओं की संख्या आप देख रहे हैं कि 1 है और यदि यह बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो, तो ये बिंदु बाहर स्थित है, तब इस स्थिति में वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से अगले बिंदु में हम देख रहे हैं कि बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लंबाई बराबर होती है अर्थात PQ और PR का मान बराबर होता है। अगला बिंदु जिसमें हम देख रहे हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विबाहित करता है। 2019 में यह प्रश्न एक नंबर के अंक में पूछा गया था। इसके पश्चात हम देखते हैं यहाँ पे 3 अंक वाले प्रश्न, जिसमें 3 अंक वाले प्रश्न में पहला प्रश्न सिद्ध करिए कि किसी वृत्त के बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। 2019 में यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। और इसके बाद अगला प्रश्न था, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये भी प्रश्न 2019 में आया था। इसके बाद हम देख रहे हैं अगले प्रश्न में कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर बाह बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर दो कोण POPQ होगा। तो ये चित्र इसके अनुसार हमें इसको सिद्ध करना था। इसके पश्चात अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि एक बिंदु A से जो
एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसको चित्र बनाते हुए हमें सरल करना है और त्रिज्या ज्ञात करना है। अगला प्रश्न, जिसमें पाँचवें नंबर का, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें हम देख रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की लंबाई की जीवा, आप देख रहे हैं ये जीवा पी क्यू, और पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्थात पी ओ का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओ पी का मान 5 सेंटीमीटर है। और दूसरी बात, पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, और टी पी की लंबाई हमें ज्ञात करना है, अर्थात ये लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज को हल करते हुए हम लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से इस चैप्टर पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके सामने हैं। आप इनका अभ्यास कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।